When I popped off, then you go gave me just a little bit. Hey everyone, welcome back to my channel. और आज है नवरात्रि और अष्टमी है आज. आज हम पूजेंगे, कंच का पूजेंगे. और मेरी देवी माता कहाँ है? माता कहाँ है मेरी देवी माता? टीका. हाँ टीका. ये ली मेरी देवी माता, छोटी सी पहली सी देवी माता. हाय करो. मम्मा ने आपके भी लगाया था टीका, आपने मिटा दिया. टीका टीका. जय 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 जय. सारे खराब कर देगी. हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल. और आज मैं आपको बताऊंगी हमने घर में समोसे कैसे बनाए हैं. तो अगर आपको रेसिपी जाननी है तो इस वीडियो को पूरी देखें. और सबसे पहले हम आलू को बॉईल करने रख देंगे. और आलू बॉईल करने के बाद उसके बाद हम उसके मटेरियल के लिए जो हम तड़का लगाएंगे वो मैं आपको बताती हूँ कैसे करा है हमने. हम सबसे पहले तेल में कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं आप. उसके बाद हम उसमें जीरा डालेंगे और मटर हम भून लेंगे. उसके बाद हम जो हमने आलू बॉईल करे थे उसको हम स्मॉल स्मॉल पीसेस में कट कर लेंगे. उसके बाद हम इसमें मिक्स कर लेंगे. मैं आपको वीडियो फास्ट फॉरवर्ड दिखा रही हूँ, आप इसे आराम से करें. उसके बाद हम इसमें अपने मसाले डालेंगे, जो कि हम सबसे पहले इसमें डालेंगे नमक स्वाद अनुसार. आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लें इसमें नमक. उसके बाद हमने डाला है धनिया पाउडर. उसके बाद हम इसमें डालेंगे रेड चिली पाउडर. गरम मसाला ऐड किया है अब हमने, और आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सारे मसाले डालें. उसके बाद हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और अच्छे से भूनते चले जाएंगे. जब हमारा मटेरियल अच्छी तरीके से भुन जाएगा तो हम इसमें एंड में डालेंगे अमचूर पाउडर. तो ये मैंने डाला है अमचूर पाउडर. तो अभी हम इसको अमचूर को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, अमचूर पाउडर जो हमने यूज़ किया है. और अभी हमारा ये रेडी हो चुका है मटेरियल. और अब इसमें हम पनीर कट करके डाल देंगे. आप चाहें तो और भी वेजेस यूज़ कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहें. अभी आप जैसा कि देख रहे हैं हमारा मटेरियल जो है वो रेडी हो चुका है समोसे में भरने के लिए. अब हम बनाएंगे समोसे के लिए बाहर का जो मटेरियल जो हमारा बनना है, मैदे का. ओके, तो हमें मैदा कैसे गूंदना है वो मैं आपको बताती हूँ. तो हमें मैदा जो गूंदना है, हमें जैसे हमने 4 कप अगर मैदा लिया है तो उसमें हम 1/4, मतलब कि 4 कप अगर हमने मैदा लिया है तो 1 कप हम उसमें डालेंगे रिफाइंड, और थोड़ी सी अजवाइन, और थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार. और जब हम मैदे को गूंदेंगे तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके गूंदें, जिससे कि मैदा हमारा बिल्कुल टाइट गूंदे. सॉफ्ट नहीं गूंदना है हमें, टाइट गूंदना है. और उसे थोड़ी देर उसको ढक के रख भी दें. ला नीचे रखा है माँ, लाओ मम्मा देगी. अभी हमारा सब चीज़ रेडी हो चुका है, तो हम आराम से नीचे बैठ के अब हम बेल रहे हैं. और हम सारे समोसे पहले रेडी कर लेंगे, उसके बाद हम लास्ट में ऑयल में फ्राई करेंगे. तो जब आप समोसे के लिए बेलने लगेंगे ना मैदे को, तो बिल्कुल प्यार से आराम से बेलें, पतली पतली बेलें और मोटी ना बेलें, जिससे कि आपकी जो समोसे की लेयर है एक तो वो मोटी नहीं रहनी चाहिए, और जब आप फ्राई भी करोगे तो वो क्रिस्पी रहेगी, जल्दी पक जाएगी पतली लेयर जो होती है. तो अब देखें बेलने के बाद इसे कैसे कोन की तरह बनाना है, क्योंकि जब हम उसे कोन की तरह बनाएंगे तभी उसके अंदर फिल कर पाएंगे. और फिल हम बहुत ज़्यादा फिल ना करें, क्योंकि उससे आपका समोसा जो है वो फट जाएगा,
फ्राई करते वक्त, और उसके बाद जब हम उसको समोसे को बंद करने लगेंगे तो हमें उसके जो साइड होते हैं उनमें पानी लगा के, जैसा कि हम लगा रहे हैं पानी, पानी से लगा के हम उसे चिपका देंगे उसकी जो साइड्स होती हैं, जिससे कि वो खुले नहीं। और ऐसे ऐसे करके हम सारे समोसे अपने बना के रेडी कर लेंगे और लास्ट में हम उसको फ्राई करेंगे। तो आप देखो, अच्छा था जब हम वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर लेते हैं तो ऐसा लगता है वाह कितनी जल्दी हमारे काम हो गए, है ना, ऐसा लगता है ना। पर यहाँ पे हमें बहुत थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है ये सब चीज़ करने में, क्योंकि बाहर का कुछ नहीं खाना है और लॉकडाउन में तो घर वालों की फरमाइश जब होती है तो घर में ही चीज़ें बना के खिलाओ उन्हें, वो हेल्दी भी होती है और अपना इंटरेस्ट और अपना मज़ा भी आता रहता है। एंड यस, हमारे समोसे बनके रेडी हैं, बस अब हम इसे फ्राई करने लगेंगे। तो हमारे समोसे बनके रेडी हैं और आप देख सकते हो कितने प्यारे लग रहे हैं, है ना, छोटे छोटे से समोसे, और बहुत टेस्टी भी बने थे। और ये हमारा जो व्लॉग है ये 2 दिन का है, वो मैंने आपको दिखाया था, और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है मेरा। गुड मॉर्निंग, और कैसे हो आप सब, अभी सुबह का टाइम है और मैं आपको नज़ारा दिखाती हूँ बाहर का कैसा है। पता है सुबह के टाइम पे ना हमें फ्रेश एयर लेनी चाहिए, तो जब मैं सुबह उठ जाती हूँ तो मतलब वॉशरूम जाने के बाद, उसके बाद मैं थोड़ी देर बाहर आके ना बैठ जाती हूँ और थोड़ी सी मैं यहाँ पे बाहर का एक तो नेचर को देखती हूँ कितना सुंदर नज़ारा लगता है, और फ्रेश एयर भी लेती हूँ। भले ही आप बाहर बैठ के एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, एक्सरसाइज योगा जो भी करना होता है आप भी बैठा करें बाहर, और बाहर बैठना चाहिए, फ्रेश एयर लेनी चाहिए सुबह शाम हमें। अब हम बाहर तो नहीं जा सकते, बट अपनी गैलरी, अपनी जो भी बालकनी है वहाँ तो जा सकते हैं ना, वहाँ तो बैठ सकते हैं हम तो। अभी ना मैं आपको अपने प्लांट्स दिखाती हूँ जो हमने क्या कहते हैं खुद ही घर पे लगाए थे, तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। ओके, ये वाला बेचारा मंकी ने यहाँ पे लगाया था इस साइड, तो मंकी जो थे उन्होंने क्या कहते हैं सारे इसके निकाल दिए, अब ये दोबारा उगाए। अच्छा, सुबह सुबह ग्रीनरी देखने से ना माइंड अपने आप ही फ्रेश सा हो जाता है, और प्लांट्स वगैरह मुझे बहुत शौक है लगाने का। और फिर आपको पता ही है आजकल हेल्पर्स तो आ नहीं रहे हैं, तो सारे काम खुद ही करने हैं। तो अभी आप देख रहे हो मैं झाड़ू लगा रही हूँ, उसके बाद मतलब पहले मैं नहा धो लेती हूँ, उसके बाद ही सारे काम करती हूँ। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। करो पिट्टी तो, पिट्टी तो तुझको पिट्टी भी पड़ी रहती है हर वक्त, इस लड़की को ना हमेशा ना पिट्टी की पड़ी रहती है। अब तू झाड़ू लगा ले, ले लगा ले तू भी झाड़ू। लाओ मम्मा, मम्मा लगा रही थी ना, दो मम्मा को। नहीं बेटा नहीं, अच्छा एक बार आप हाय तो कर लो बच्चे, एक बार हाय तो कर लो, गुड मॉर्निंग तो कर ले, चल मेरे बच्चे। आई लव यू, पुच्ची मम्मा को पुच्ची कर दो। नहीं, नो नो नो, अच्छा एक बार हाय तो कर ले। झाड़ू लगा रही थी। ओहो मम्मा कितना काम करवाती है ना बेबी से, देख लो। चलो थोड़ी देर में मिलते हैं, मैं अपना काम कर लूँ, झाड़ू पोछा। वैसे मैंने पूजा कर ली है, नहा चुकी हूँ मैं, पूजा पाठ हो गई है मेरी, अब मैं उसके बाद झाड़ू पोछा कर रही हूँ। क्योंकि क्या होता है ना, फिर मेरी पूजा लेट हो जाती है, फिर लेट होती चले जाती है, फिर काम, फिर पूजा रह जाती है इस चक्कर में, काम के चक्कर में। तो मैं सबसे पहले नहा धो के पूजा कर लेती हूँ, उसके बाद झाड़ू पोछा। अभी यहाँ पे गप्पू भैया ग्रॉसरी लेके आए थे, तो उनको मैंने सैनिटाइज किया है, हमने घर पे जो अपना स्प्रे बना रखा था उससे सैनिटाइज कर रहे हैं हर एक चीज़ को, जो बाहर से सामान आया है उसको भी, और बच्चों की कंचक भी आई है उसको भी मैंने कर दिया सैनिटाइज। सब कुछ पहले हम बाहर ही रखते हैं जिससे कि अच्छे से पहले सैनिटाइज कर लें, उसके बाद घर के अंदर आते हैं। उसके बाद मुझे व्लॉग मैं बना नहीं पाई थी सीधे, ये रात का डिनर है, अब वो मैं आपके साथ शेयर कर।
आई नो कि मेरी दो तीन दिन से वीडियो रेगुलर नहीं हो पा रही है, बट कुछ नया नहीं हो रहा. नया क्या, थोड़ा सा बिजी एक वो हो जाते हैं घर में, जब जेंट्स लोग होते हैं ना तो ज़्यादा काम फैलता है. सच है ना ये बात? अगर सच है तो मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना. और फिर बस वही घर के खाने में ही उलझे रह जाते हैं, बस खाना 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 ही बनाते रहो पूरा पूरा दिन. और आपको आज की रेसिपी यानी कि समोसे बने हुए अच्छे लगे होंगे, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को. थैंक यू.